नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज क्या इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी सीड ड्रिल मशीन लेके आए हैं जो सबसे ज़्यादा हाईटेक होने के साथ साथ आप इसमें कपास से लगा के गेहूँ तक की बिजाई कर लेंगे। तो आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कपास की बिजाई के लिए अलग मशीन आती है, गेहूँ की बिजाई के लिए अलग मशीन आती है। तो इसी क्रम में आज ये बहुत ही लेटेस्ट मशीन आपके लिए लेके आए हैं वाहेगुरु एग्री वर्क्स संगरिया हनुमानगढ़ राजस्थान की कंपनी। सर जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और कंपनी के बारे में कुछ प्रोफाइल बता दीजिए। सर सर मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है, हम वाहेगुरु एग्री कंपनी से है। अपने पास स्पेशली सीड ड्रिल का ही काम है, मतलब बिजाई मशीन का ही काम है। कितने साल से कर रहे हैं सर ये काम आप? सर स्पेशल 10 साल से कर रहे हैं सर बिजाई मशीन का काम। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि आप यह मल्टी क्रॉप है जिसमें नरमा यानी कपास से लगा गेहूं तक की बिजाई है, तो ये कैसे पॉसिबल है सबसे पहले तो ये बताइए, और इसमें ऐसी क्या खासियत है जो इस मशीन को दूसरी मशीनों से कुछ अलग बनाती है? सर ऐसे है सर, हमने पहले अपने को अलग अलग मशीनें लेनी पड़ती थी, गेहूं के लिए अलग, मक्के के लिए अलग, ग्वार के लिए अलग, नरमे के लिए अलग। तो हमने इसीलिए इसका नाम मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल है, जो सारी चीज़ की बिजाई कर सकती है। ये इसमें सर डबल टापे की सुविधा आ गई अपने पास है। जैसे मतलब डबल टापे से आगे वाले टापे से तो गेहूं वगैरह बीजा गया, गेहूं मक्का, और पीछे वाले से जो अपने ग्वार नरमा कपास ये धान की बिजाई हो जाती है सर। तो सबसे पहले सर यहाँ के इस कुछ गियर बॉक्स दिए गए, इनके सारे से शुरू करते हैं, क्या चीज़ें के क्यों दी गई है? सर पहले अपने को दिक्कत आती थी बिजाई मशीन में, जैसे कोई भी बीज की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए गरारी खोल कर चेंज होती थी। तो अपने सारे गियर बॉक्स ना एक साथ दे दिए कि किसान भाइयों को आसानी हो सके। ये सर गियर बॉक्स आ गया, ये 5 चाल का गियर बॉक्स है सर, इसको अपने इतना ही काम करना है। ये इसको आगे किया, चैन ढीली हो गई सर, चैन को अपने इधर उधर कर सकते हैं। इससे क्या मशीन की स्पीड गिरारियों की चलने की स्पीड कम ज़्यादा कर पाएंगे? हाँ, चलने की स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अपने 5 कनाल का आइडिया लें, तो 5 कनाल में पहली गिरारी में 400 ग्राम बीज डालेगी, उसके बाद में दूसरी गिरारी में 150-150 ग्राम बढ़ता जाएगा बीज। तो सर वो व्हील तो मेरे को समझ में आ रहा जो आपने मशीन की स्पीड के लिए दिया गया है, लेकिन ये एक्स्ट्रा व्हील क्या काम का ये थोड़ा बताइए सर। सर एक्स्ट्रा व्हील से ऐसे है, अपने ट्रैक्टर की बिल्कुल लेफ्ट नीचे गिरती, व्हील को दोनों को बैलेंस कर दिया एक साथ में, व्हील के बैलेंस से मशीन चलेगी। कहीं पर ट्रैक्टर ऊंचा नीचा हो गया तो बिजाई मशीन एक साथ में चलेगी, मतलब उतनी गहरी उधर लगेगी उतनी गहरी इधर लगेगी। यानी कि लिफ्ट के सारे नहीं रखे, मतलब इनको मतलब एक फिक्स जगह एडजस्ट कर देंगे। हाँ। तो सर ये जो डंडा दिया गया है, ये स्पेशल डंडा किस काम का आता है, क्योंकि मेरे को तो इसका कोई उपयोग समझ में आता नहीं है सर। सर ऐसे है, अपने कोई भी चीज़ की बिजाई करते हैं, जैसे अपने मान लो कपास की बिजाई कर रहे हैं, कपास का पाड़ा अपने 27 इंच का होता है सर, 27 इंच का पाड़ा होता है। ये डंडे की ऐसी सर्विस होती है सर, जो डंडे की ये लकीर मारता रहेगा, लकीर का ट्रैक्टर का आगे वाला टायर यहाँ पर आएगा तो सभी पाड़े एक जैसे रहेंगे। अच्छा, मतलब कि कतार से कतार की दूरी। हाँ। को मेंटेन करने के लिए काम आता है। हाँ जी, कतार की दूरी को मेंटेन करने के लिए काम आता है। तो सर काफ़ी यूनिक फीचर के साथ आप मशीन लेके आए हैं, ये हैंडल टाइप से क्या दिया गया सर, इसको घुमाने से क्या क्या मतलब रहेगा? सर हैंडल का ये इस्तेमाल होता है जब अपने गेहूँ की बिजाई कर रहे हैं, मक्के की बिजाई कर रहे हैं, तो हैंडल से अपने बीज को सेट कर सकते हैं सर। जैसे है एक नंबर से जैसे 15 किलो का बीज का आएगा तो 2 नंबर पर 30 हो गया, ऐसे जाता बढ़ता जाएगा। और इसे हैंडल को अपने यहाँ से लॉक कर सकते हैं कि ये आगे पीछे ना हो, बिल्कुल मशीन चलाएंगे जब अपने बिजाई हो। मतलब एक बार सेट करके फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया, उसके बाद में अपने को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार ही इसको सेट करना है। तो सर अब इस मशीन का मुख्य पार्ट, इसके जो पेटी दी गई है वो कहाँ से, मल्टी क्रॉप है, कैसे काम करेगी, गेहूं का डालेंगे, कपास का, नरमा की बिजाई कैसे होगी, ये थोड़ा सा बता दीजिए सर। सर गेहूं के लिए तो आगे वाला टापा आ गया, ये वाला। हाँ ये वाला सर, ये वाला टापा आ गया ना गेहूं के लिए। जी जी जी, यहाँ गेहूँ डाल देंगे। हाँ यहाँ गेहूँ डाल सकते हैं, गेहूँ, सोयाबीन। हाँ मक्का हो गया, मक्का। ठीक है, और इसमें क्या क्या कैसे रहेगा सर? इसमें सर अपने स्पेशली कपास, ग्वार, मूंग, सरसों, इस हिसाब से है। इसकी सर अपने को डिस्क की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये डिस्क निकल जाएगी और दूसरी लग जाएगी। अच्छा। इस हिसाब से जो ये डिस्क है सर, इसमें तो स्पेशली नरमा, ग्वार और मूंगी आ जाएगी।
तो सर ये स्प्रिंग क्यों दी गई, ये क्यों क्यों दे रखी, ये कुछ समझ में नहीं सर। ऐसे है सर, सभी बीज एक जैसे नहीं होते सर, कई बार बीज तो पतला आ गया, कई बार मोटा आ गया। तो पतला बीज इसमें सर इस हिसाब से अपने खांचा तो चौड़ा बीड़ा कर नहीं सकते, तो यहाँ पर दो फंस गए पतले बीज, तो ये गोली वाला सिस्टम लगा हुआ है, ये गोली उसको दबा के निकाल देगी। अच्छा, एक ही जाएगा और बाकी, हाँ, नीचे चला बाकी जाएगा। नीचे चला जाएगा सर, यानी एक साथ दो बीज गिरने से बचाएगा। हाँ, ये गिरने से बचाएगा। ये देखो ये आ गया पांच कनाल, पांच कनाल राजस्थान में एक बीघा। हाँ, बोल सकते हैं पांच कनाल का राजस्थान का एक बीघा। जैसे ये गियर सिस्टम आ गया, जी जी जी, ये गियर सिस्टम आ गया। जैसे ये पहला गियर है, मतलब दिया गया ना पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है सर। उसके हिसाब से पहले गियर में सर 400 ग्राम, दूसरे गियर में सर 550 ग्राम, तीसरे गियर में 700 ग्राम, चौथे गियर में 850 ग्राम और पांचवें गियर में अपने 1000 ग्राम, एक किलो कह सकते हैं, एक किलो भी कह सकते हैं अपने। ये मतलब इतना बीज गिरा देगा? हाँ, इतना बीज गिराएगा, कम ज़्यादा नहीं गिराएगा। ये अपने इसीलिए चार्ट लगाया गया है ताकि किसान भाई जब भी चला रहे उनको ये आसानी रहे। इस पेटी का सर ये इस्तेमाल है, तो अपने जैसे नरमे की बीजांत कर रहे हैं, कपास की बीजांत कर रहे हैं, तो पीछे वाले चार हल चलेंगे, मतलब 27 इंच पर पड़ा होगा, तो आगे वाले हल से अपने आगे खाद बिजाई भी कर सकते हैं, जैसे डायरेक्शन सीधी की और बीच वाले ये हल खुल जाएंगे साथ की, और यहाँ से आगे वाले टापे से मतलब खाद बिजाई हो गई, जैसे अपने सुपर बीजनी है, DAP बीजनी है, जो भी बीजांत करनी है आगे वाले टापे से हो जाएगी वो। मतलब यानी कि आगे वाले पेटी से अपन इसमें खाद दे देंगे और पीछे वाले से अपन बीज की बिजाई कर देंगे, यानी कि दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल अपने मल्टीक्रॉप जो पुराने सीड्रिल आते हैं उनमें डबल पेटी आती थी, उसी तरह की ये डबल पेटी है। तो पेटी का काम भी करेगी, कनक की बिजांत भी करेगी ये पेटी, मतलब तीन काम आएगी अपने। नहीं, कुछ मॉडल और भी दिख रहे हैं, उस मॉडल के बारे में कुछ बता दीजिए सर। ये भी क्या मल्टीक्रॉप है या फिर ये कैसे काम करते हैं, क्या इनका कुछ बताइए सर। सर ये वाला मॉडल है, ये 7 इनका मॉडल है, इसमें वो बाकी चीज़ तो सेम आ गई, डबल व्हील आ गए। जैसे ये अपने नरमे ग्वार मूंगी के लिए इस्तेमाल में आएगा सर, ग्वार मूंगी की बिजांत कर सकते हैं इसमें सर, गेहूं और मक्के की बिजांत नहीं कर सकते अपने जी। ये जी, मतलब सिंगल पेटी का आ गया। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है, यही चेन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए दे रखा सिस्टम, चार्ट अंदर इसमें भी लग रहा है। नॉर्मली ये गंवार और कपास इनके लिए बिजाई के लिए काम आएगा, के लिए काम आएगा। तो सर ये मॉडल और ये मॉडल तो लगभग मेरे को सेम ही लग रहा है, इनमें इसमें क्या फ़र्क है कुछ बताइए सर। सर ये तो आ गया 4 टाइन का मॉडल, इसमें सर नरमे और ग्वार की बिजांत कर सकते हैं, बाकी चीज़ की बिजांत नहीं होगी इसमें सर। बाकी सारी चीज़ें सेम है लेकिन फसलों की बिजाई कम हो रही, मतलब हाँ। ज़्यादा इसको मल्टीक्रॉप तो बिल्कुल नहीं कह सकते, मल्टीक्रॉप नहीं कह सकते। तो सर अब वो मशीन, कुछ एक मशीन दिख रही है, उस मॉडल के बारे में कुछ बताइए सर। ये 4 टाइन का मॉडल आ गया, डबल पेटी का मॉडल आ गया, जिसमें ऐसे नरमे की बिजांत कर रहे हैं, तो आगे इसमें अपने डायरेक्ट नरमे के बीज के साथ अपने सुपर वगैरह जो सुपर डालनी है, DAP डालनी है, उस चीज़ की बिजांत कर सकते हैं। ये मतलब डबल टापे का आ गया सर मॉडल, जो भी जोड़ों में देना साथ का साथ बिजाई के साथ दे सकते हैं, साथ बिजाई हो जाए, उसके कोई फर्क नहीं दूसरी। हाँ, बाकी कोई फर्क नहीं है इस। तो सर मशीनें तो आप काफ़ी बढ़िया लेके आए हैं, जिन किसान भाइयों को मल्टी क्रॉप चाहिए तो वो कपास से लगा के गेहूं तक की बिजाई कर लेंगे, बाकी जिनको सिर्फ गंवार और कपास के बिजाई के लिए चाहिए तो वो सीड ड्रिलें हैं। तो अब सबसे मुद्दे की बात आती है कि इस पे इनकी कीमत कितनी रखी है आपने सर। सर ये जो मल्टी क्रॉप का मॉडल है इसकी तो सर 52 से लेकर 55 हज़ार के बीच में पड़ती है सर जी। आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में मंगानी है तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है सर, वहाँ पर आपको घर बैठे मशीन मंगा सकते हैं सर। तो ट्रांसपोर्टेशन इस कीमत के साथ है क्या अलग है वो? नहीं, वो सर अलग होगा, जो दूरी के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता है वो सभी मशीन को अलग अलग होता है। आप 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, तो अलग अलग रेट होगा उसका। तो और बाकी जो पीछे मशीनें दिख रही हैं उनकी कीमत बता दीजिए सर। तो ये सर डबल पेटी चार हल में जो मॉडल है इसकी प्राइस तो 38,000 है, 38 से 40 के बीच में रहेगी सर। अगर ये वाला आ गया मॉडल 7 टाइन में, इसकी लेके 38 से लेके 40 हज़ार में ये रहेगी सर। और वो आगे वाली उसकी क्या कीमत रखी सर? इसकी कीमत सर 25 से लेके 28 हज़ार के बीच में रहती है सर इसकी कीमत। सर ये कीमत मान लो आज की कीमत है, कल को लोहा बढ़ जाए कम हो जाए तो उस दिन का रेट होता है सर। मतलब अगर लोहा सस्ता हो जाएगा तो कीमत कम हो जाएगी, लोहा महंगा हो जाएगा तो महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी सर। ठीक है सर, ये बात भी हो गई। अब मैंने जहाँ तक सुना है कि आपकी कंपनी पे सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सब्सिडी मिलती है और कहाँ कहाँ सब्सिडी मिलती है? सर अपनी बिजाई मशीन पर राजस्थान में सब्सिडी मिलती है और कहीं स्टेट में नहीं मिलती सब्सिडी। अच्छा, राजस्थान में सब्सिडी के लिए अपनी मशीन अप्रूव है? अपनी मशीन अप्रूव है।
तो सर मशीनें तो काफ़ी बढ़िया है, यकीनन जो किसान भाई यहाँ आके देख के ख़रीदना चाहता है वो तो संगरिया आके देख ही सकता है और यहाँ से ख़रीद ही सकता है। लेकिन जैसे बहुत से किसान जो 1000 किलोमीटर दूर बैठे लेकिन उनको ये मशीन ख़रीदनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? मशीन ख़रीदने के लिए ये सर हमारे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करके मशीन को बुक करा सकते हो। बुक कराने के वक्त आप 20% पेमेंट एडवांस में देनी पड़ती है सर, तो बाकी की पेमेंट जब हम यहाँ से मशीन रवाना करेंगे तब आप हमारे अकाउंट में डाल सकते हो और मशीन किसान भाई के घर तक पहुँच जाएगी। हाँ, घर बैठे आप मशीन को मंगवा सकते हो। तो मैं एज ए कस्टमर आपसे मशीन बुकिंग अमाउंट देता हूँ, कितने दिन में आप मशीन रेडी करके मेरे घर के लिए रवाना कर देंगे? सर जैसे 10 दिन का टाइम तो होता ही है सर, 10 दिन में अपनी मशीन हमारी दुकान से तैयार हो जाएगी। मशीनें बहुत बढ़िया लेके आए हैं और जो किसान भाई इन मशीनों को देख रहा है और जो चला रहा होगा उसको तो पता ही होगा कितनी बढ़िया मशीन आप लेके आए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये मशीनें कैसी लगी और कौन सा मॉडल आपको पसंद आया ये बात आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।